हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। सेट्स के हम कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय लेते हैं, ठीक है। 225 टेकिंग कॉफ़ी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ना तो चाय लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो 600 स्टूडेंट हैं सर्वे के अंदर, तो यू हो गया आपके पास कंप्लीट, हमारा यू होता है। एक सेट हम लेते हैं जो टी पसंद करते हैं और एक लेते हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। तो सर्वे में जो हमारे पास है वो 600 स्टूडेंट्स हैं टोटल, यानी कि यू की वैल्यू दे रखी है ये एन ऑफ यू। यू में कितने नंबर हैं? 600, कैपिटल यू सर, ठीक है। चलिए, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग टी। ठीक है, ए अगर हम जो चाय पीते हैं उनका सेट मान लेते हैं तो एन ऑफ ए क्या हो जाता है? जो चाय लेते हैं कितने स्टूडेंट है? 150, ठीक है। ए लिया हमने जो स्टूडेंट चाय लेते हैं, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट लें देन ये किसको रेफर करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट हो जाएगा जो चाय नहीं लेते। ए डैश बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नॉट टेकिंग टी, जो चाय नहीं लेते, वो आपके पास हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। सेम टू सेम तरीके से बी सेट हम ले लेते हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, जो कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ बी क्वेश्चन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है? एन ऑफ बी में क्या कितना आ जाएगा? 225 जो कॉफ़ी पीते हैं, तो एन ऑफ बी हो गया 225, ओके। और बी डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टूडेंट्स जो कॉफ़ी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट बनेंगे जो ना तो चाय लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं। देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसने दे दिया 100। अब इसको सॉल्व कीजिए। एन ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। एन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 150 प्लस एन ऑफ बी 225 माइनस 100, तो ये हमारे पास यूनियन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास हो जाएगा 5, 7 एंड 3 माइनस 100, दिस इज 275, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी। सारे नंबर मिल जाते हैं। एन ऑफ यू दे रखा है 600, एन ऑफ ए दे रखा है 150, एन ऑफ बी है आपके पास 225, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100 और एन ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाल लिया 275, ठीक है। तो अभी हमारे पास कंप्लीट आ गया, हमें निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट जो ना चाय लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स नॉट टेकिंग neither tea nor coffee, ना तो चाय लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं, ये सेट क्या बनेगा?
नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ध्यान से देखो, ना चाय लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं, एन ऑफ एम ने लिया था जो चाय लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आ जाएगा कि वो चाय नहीं लेते। बी डैश का मतलब बी था हमारा जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, बी डैश आ जाएगा जो कॉफ़ी नहीं लेते। तो अगर हमें इनकी इंटरसेक्शन कर देंगे तो हमारे पास टोटल वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो ना चाय लेंगे ना कॉफ़ी लेंगे, ठीक है। तो हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है आपके पास? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में। इसको मैं से ओपन करते हैं, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू होती है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एन ऑफ, इसकी जगह रख दिया हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ए यूनियन बी, ए के सारे नंबर, बी के सारे नंबर, यानी कि ये जो डार्क कर रखा है हमने, ये आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यू में से अगर मैं इस सेट को निकाल दूँ, ए और बी दोनों को, मतलब कि यूनियन को निकाल दूँगी, तो यहाँ पे बाहर हमारे पास क्या बच जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो बाहर का पोर्शन रह जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर यू के नंबर्स में से मैं यूनियन के नंबर निकाल दूँगी तो वो आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एन ऑफ यू आपके पास है, एन ऑफ यू की वैल्यू है 600 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी हमने अभी फाइंड आउट किया था 275, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे, वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो ना तो चाय लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। 5 and 9 2 और 4 3, तो 325 ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जो ना चाय लेते ना कॉफ़ी लेते। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी एंड 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज ना जानता हो, यानी या तो वो हिंदी या इंग्लिश उसको पता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप? कितने स्टूडेंट हैं जो आपके पास ऐसे ग्रुप में होंगे या तो वो हिंदी या फिर इंग्लिश जानता हो, ठीक है। चलिए इजी सा क्वेश्चन है, लेट ए ग्रुप ले लेते हैं हम जो स्टूडेंट हिंदी जानते हैं, ए बी द सेट हू, सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी, ये आपके पास। एंड बी हमने क्या लिया? बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हिंदी जानते हैं बच्चे कितने हैं? 100। एंड एन ऑफ बी 50, ठीक है। 25 नो बोथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या ले लेते हैं? ऐसा सेट स्टूडेंट का जो दोनों लैंग्वेज को जानता हो, नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 25। आपको बताना है या तो वो हिंदी या फिर इंग्लिश जानता हो, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 125 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश वो आ जाएगा 125। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों पे सर्वे किया, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 लोग एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर टी एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 ऐसे लोग हैं जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। 11 ऐसे लोग हैं जो एच और टी दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, एंड 8 ऐसे हैं जो टी एंड आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर,
तीन लोग ऐसे जो तीनों ही न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। आपको बताना है कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े इतने लोग पीपल, जो आप बताइए। अगर एटलीस्ट पूछ लिया जाता है तो आपको निकालना होता है यूनियन, नंबर ऑफ ए यूनियन, बी यूनियन, सी। मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एच आई एंड टी, तीन न्यूज़पेपर हैं तो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो एच यूनियन, आई यूनियन, टी, आपको इनके यूनियन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर ऑफ एच यानी कि जो जितने पीपल आपके पास एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 25, एन ऑफ एच 25, एन ऑफ टी 26, एन ऑफ आई जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आपके पास हैं 26 पीपल, एंड 9 दे रखा है एच एंड आई का, यानी कि एक एच और आई दोनों को पढ़ते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 9। 11 ऐसे जो एच एंड टी, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ये दे दी आपके पास 11। नेक्स्ट कहता है कि टी एंड आई 8 पीपल पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, दोनों न्यूज़ पेपर पढ़ने वाले आपके पास हैं 8 पीपल। 3 ऐसे जो तीनों को पढ़ते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन तीनों की, एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, ये आपके पास दे दिया 3। आपको निकालना है यूनियन, एटलीस्ट पूछा जाता है तो यूनियन निकालते हैं, तो एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई, फिर हम दो दो के इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच, एंड एच इंटरसेक्शन आई हमें गिवन है, दिस इज माइनस प्लस कर देते हैं ए एच एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, तीनों के इंटरसेक्शन को हम प्लस कर देते हैं और इनकी तीनों दो दो की जो इंटरसेक्शन होती है उसको माइनस कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, एन ऑफ सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए, हर एक की वैल्यू आपके पास है 25, एन ऑफ टी 26, एन ऑफ आई 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी 11, टी इंटरसेक्शन आई 8 माइनस 8 एंड आई इंटरसेक्शन एच, आई इंटरसेक्शन एच ये रहा 9, ठीक है। और प्लस तीनों के इंटरसेक्शन दे रखा है 3, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास एच यूनियन टी यूनियन आई नंबर ऑफ डेज, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये इतने लोग आएंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली एक पेपर पढ़ेगा वो देखो कैसे निकालोगे। इसको निकालोगे आप वेन डायग्राम से, और अगर तीन सेट आपके पास गिवन है यहाँ पे एच टी और आई, तीन सेट गिवन है आपके पास, इनका डायग्राम कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, दिस इज, तो ये आपके पास थ्री न्यूज़पेपर सेट ले लिया हमने एच टी एंड ये हमने ले लिया आई। अब देखिए एन ऑफ एच दे रखा है 25, 26 एंड 26। अब हमारे पास अगर हम एच नंबर के इसके लेते हैं एज न्यूज़पेपर पढ़ने वाले अगर पीपल देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे चार जगह पे आपके पास बट जाते हैं, ये इसके साथ इंटरसेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे तीनों के साथ आ रहा है, इधर आई के साथ आ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे जो आपका बीच वाला प्लेस है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, दिस इज, ये क्या दे रखा है तीनों के इंटरसेक्शन 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। जब भी हम तीनों का डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा इंटरसेक्शन से स्टार्ट करोगे। अब यहाँ देखते हैं कि इस प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये जो पोर्शन है आपके पास दिस इज, ये है H और T की इंटरसेक्शन। अब देखिए H इंटरसेक्शन T में कितने पीपल हैं,
एच इंटरसेक्शन टी में टोटल है 11, 11 कंप्लीट में है, 3 यहाँ पे हमने डाल दिए, तो 11 में से 3 माइनस करोगे यहाँ पे आ जाएंगे 8, यानी कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें आपके पास आगे 8। अब ये देखते हैं एच इंटरसेक्शन आई, क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर हम देखेंगे दिस, तो ये है आपके पास एच इंटरसेक्शन आई, कहाँ पे है एच इंटरसेक्शन आई, दिस, इसके पास है 9, 9 में से 3 निकाल दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। सेम टू सेम टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई में है 8 यहाँ पे, और अगर ये कंप्लीट पोर्शन देखते हैं तो 3 हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे बचे 5, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ गया। अब हम चलते हैं एन ऑफ एच के पास, कि एच में टोटल है 25 कंप्लीट में 25 है। अब देखिए यहाँ पे 8, 3 एंड 6 ये भी एच में ही इंक्लूड है, तो यहाँ पे कितने लोग आएंगे वो देखिए, ये आप काउंट करोगे 8 + 3 + 6 क्योंकि ये भी एच में ही इंक्लूड हो रखे हैं, ठीक है, दिस इज 17 और टोटल है 25, तो 25 में से 17 माइनस करेंगे 8, तो ये आ जाएगा, इसमें जो आएंगे वो आ जाएंगे 8%, ठीक है। सेम टू सेम आप यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे कितने आएंगे टी में, तो एन ऑफ टी दे रखा है 26 एंड इसको काउंट कीजिए 16, 5 + 3 + 8 16 और 26 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। आई में देखेंगे 26 है, तो यहाँ पे पहले प्लस कीजिए 6 + 3 + 5 6, 3 एंड 5 क्योंकि ये भी आई में ही इंक्लूड हो रखे हैं, ठीक है, दिस इज 14 आपके पास, और 26 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। अब आपको पोर्शन पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपके पास पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, मतलब एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन, मतलब तीनों की इंटरसेक्शन जो लेते हैं वो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, दिस इज, ये क्या होता है, ये ऐसे पीपल हैं जो एच और टी, ओनली एच और टी ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर मैं 3 को निकाल देती हूँ, सिर्फ 8 की बात करती हूँ इस पोर्शन की, तो इसमें वो पीपल आएंगे जो एच और टी ओनली ही दो पेपर पढ़ते हैं, तीसरे का कोई इंक्लूजन नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे नहीं आएगा, आई न्यूज़पेपर ये लोग नहीं पढ़ेंगे। सेम टू सेम 6 की बात कर रहे हैं हम, 3rd इंक्लूड नहीं करेंगे हम, एच एंड आई 6 जो शो कर रहा है, तो ये 6 पीपल ऐसे हैं जो केवल एच और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड 5 ये ऐसे पीपल हैं जो केवल टी एंड आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। रही बात 8, 10 एंड 12, इन तीनों को ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे पीपल जो ओनली एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ओनली एच, ठीक है। 10 सिर्फ 10 वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन बच गया हमारे पास, ये इंक्लूड नहीं कर रहे हम, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ बाहर बाहर वाला पोर्शन 10 पीपल ऐसे आ गए जो ओनली टी, अगर यूँ पूछ लिया जाए कि ओनली टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो आ जाएंगे 10, ठीक है। अगर यूँ पूछ लिया जाए कि ओनली आई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो आ जाएंगे 12। अभी आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने कितने, 8 ऐसे हैं जो केवल और केवल एच पढ़ रहे हैं, आपके पास 10 पीपल ऐसे हैं जो केवल और केवल टी पढ़ रहे हैं, 12 ऐसे हैं जो केवल और केवल आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास सेकंड का आंसर आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये आ जाएगा आपके पास 8 + 10 + 12, ठीक है, दिस इज 20 एंड 30, तो 30 पीपल ऐसे हैं जो केवल और केवल एक एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे यूँ पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, ऐसे पीपल बताइए, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2, अगर यहाँ पे 2 पूछ लिया जाता है देन हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली 2 सिर्फ कौन कौन से आएंगे, 8 + 6 + 5 हम इनको ऐड कर देंगे।
केवल दो लोग, दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, 8, 6 and 5 प्लस कर दें। क्वेश्चन 16, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल बोथ प्रोडक्ट को लाइक करते हैं ए एंड बी, 12 पीपल दे रखा है सी एंड ए को लाइक करते हैं एंड 14 पीपल लाइक बी एंड सी, 8 लाइक ऑल ऑफ थ्री, तो आपको बताना है कि ऐसे पीपल बताइए जो केवल सी को लाइक करते हो। ठीक है, तो इसको आप निकालोगे बाय वेन डायग्राम। पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दे रखा है। ए मान ले जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं 21, एन ऑफ ए 21, एन ऑफ बी इज 26 एंड एन ऑफ सी 29, एन ऑफ सी इज 29, 14 पीपल हैं ए एंड बी को लाइक करते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज 14, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए दे रखा है, नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन ए दिस इज 12 एंड 14 है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिस इज 14 और 8 जो सारे प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं दिस इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में इसको अच्छे से नोट करो। तीनों के इंटरसेक्शन 8, जब भी हम तीनों का डायग्राम स्टार्ट करते हैं तीनों के इंटरसेक्शन से लेके चलते हैं, तो ये आपके पास दे रखी है 8। ओके, ये हमारे पास हो गया ए बी एंड दिस सेट इज सी। अब हम देखते हैं ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं। ए और बी के इंटरसेक्शन में टोटल है 14 नंबर, तो ए और बी हमारे पास ये बनेगा, ये वाला सेट। ठीक है, तो 8 यहाँ पे इंक्लूड हो गए, 14 में से 8 माइनस कर दीजिए, 6 बच गए, तो यहाँ पे आ गया 6। फिर हम देखते हैं ए और सी के इंटरसेक्शन में, ए और सी 12 टोटल पर्सन है, 12 में से 8 माइनस कर देंगे दिस इज 4। बी इंटरसेक्शन सी 14 टोटल है, 14 ही है ना, बी इंटरसेक्शन सी 14 एंड 12, सी इंटरसेक्शन ए में 12, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी में 14, ठीक है, दोनों ए इंटरसेक्शन बी 14 ही है, दोनों में 14 गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 14 टोटल हमारे पास बी एंड सी, इसमें 14 गिवन है टोटल, तो 8 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए जो तीनों के इंटरसेक्शन में आते हैं, तो 14 में से 8 निकाल दीजिए, यहाँ पे बच गया 6। अब आते हैं एन ऑफ ए पे, एन ऑफ ए में टोटल है 21, ठीक है, जिसमें से हमने 6, 8 और 4 को पहले से ही ले लिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 प्लस 8 प्लस 4 टोटल कितना आएगा 18। ए में हमारे पास 21 नंबर है और 18 को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो 21 में से 18 माइनस कर लीजिए दिस इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सी में कितना आएगा, एन ऑफ सी दे रखा है 29 और सी में हमने क्या क्या लिया है, 4 प्लस 8 प्लस 6 दिस इज 18, 29 में से 18 माइनस करोगे 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। बी, एन ओ बी में 26 है, 26 तो यहाँ पे देखते कितना आता है, 6 प्लस 8 प्लस 6 20 और टोटल हमारे पास है एन ओ बी में 26 में से 20 माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया 6। अब आपसे जो पूछा गया आप उसी का आंसर दे सकते हो। पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, केवल सी को पसंद करने वाले 11। ठीक है, केवल सी को, इसमें से ये नंबर नहीं लेंगे हम, ये पोर्शन होता है हमारा ओनली सी, ये पोर्शन होता है बाहर वाला ओनली बी, अगर ओनली बी पूछता है 6 हो जाएगा और ओनली ए पूछता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ओनली ए और बी को पूछेगा तो 6, ओनली ए एंड सी प्रोडक्ट को 4 और ओनली बी एंड सी को 6। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पोर्शंस डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास जो सी को पसंद करते हैं 11 पीपल। मिसरेंस एक्सरसाइज के एग्जांपल, एग्जांपल 28 जो इस एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस, ये स्पेलिंग दे रखी है आपके पास
एंड द सेट ऑफ लेटर ऑफ दिस स्पेलिंग, कहता है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है, इसको हम ए सेट मान लेते हैं जो आपके पास ये स्पेलिंग ही बने, ठीक है। इसकी अगर आप सेट बनाते हो तो कैसे लिखोगे, जो नंबर रिपीट होता है उसको हम वन टाइम काउंट करते हैं, ठीक है। हमने लिया सी कॉमा ए कॉमा टी, ए हम दोबारा से ए आ गया, ये हमारे पास आ चुका, हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आर, देन ए, ए हम पहले ले चुके हैं, सी, सी भी नहीं लेंगे, आ चुका, एंड टी, टी भी हमारे पास आ चुका। तो ये सेट बन गया जो ए सेट है, इसको रिप्रेजेंट करेगा दिस। अब देखते हैं दूसरा सेट, इसको हम बी मान लेते हैं। अगर मैं इससे बनाती हूँ, ये बनाया ऑफ स्पेलिंग सी ए टी ए आर ए सी टी, ये सेट हमने इसका लिया है, ठीक है। अगर मैं इसका बनाती हूँ बी सेट मान के, दिस इज टी आर ए सी, और टी फिर से नहीं लेंगे क्योंकि टी हमारे पास आ चुका है, ये सेट हमने लिया टी आर ए सी टी, ठीक है। अब हमें देखना है क्या दोनों सेट इक्वल हैं, सी बी में भी है, ए में भी है, ए टी एंड आर, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर इन ए, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, तो दोनों सेट आपके पास इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 30 कहता है शो दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, मीन्स आपके पास गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और आपको प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। इसके लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि ए बी में कंटेन हो जाए एंड बी ए में कंटेन प्रूव करते हैं, तो हमारे पास ये सेट इक्वल हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आपके पास गिवन है और आपको ये शो करना है। चलिए पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। एक्स ए में कोई एलिमेंट उठा के चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट एक्स मिलेगा आपको ए यूनियन बी में भी। क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर मैं ए और बी सेट के यूनियन करती हूँ तो या तो यूनियन में ए के एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो एक्स अगर ए में है तो यूनियन में डेफिनेटली मिलेगा, और अगर यूनियन में है तो यूनियन किसके इक्वल दे रखा है, इंटरसेक्शन के। अगर एक्स यूनियन में है, इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं एक्स जो वो इंटरसेक्शन में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के है, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देते हैं। अगर एक्स कोई नंबर इंटरसेक्शन में मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि इंटरसेक्शन में तभी आएगा जब वो दोनों सेट में बिलोंग करता है। तो एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। एक्स हम ए में लेके चले थे, हमने शो कर दिया एक्स हमारा बी में है, इम्प्लाइज दैट सेट ए कंटेंड इन बी, फर्स्ट इक्वेशन। सेम टू सेम सेकेंड वाला पार्ट प्रूव करना है, बी कंटेंड इन ए। बी में नंबर लेके चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर x आपका b में है तो x मिलेगा a यूनियन b में, और अगर x a यूनियन b में है तो वो इंटरसेक्शन में होगा क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं, और अगर इंटरसेक्शन में है तो दोनों सेट में होगा। x बिलोंग्स टू a एंड b also, implies that x b का एलिमेंट लिया था, a में शो कर दिया, तो b contained in a। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी, जो कि आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। आपको ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। अगर हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, एंड सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, दिस इज सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इसमें प्रूव करना है, तो हम इसका कोई नंबर उठा लेते हैं। अब जब भी आप पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट उठाते हो, पावर सेट में मान लीजिए ए आपके पास गिवन है ए बी, तो पावर सेट ऑफ ए में किस टाइप के नंबर आते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी कि इसके अंदर जो आपके पास इसके जो एलिमेंट होंगे वो सेट टाइप के होंगे ए बी एंड फाइव, ठीक है। तो इसका नंबर जब हम लेके इसके नंबर हो गए, जब भी हम इसका नंबर शो करते हैं तो हम शो करते हैं कि सेट ए
बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई सेट लेके चलेंगे, जब भी हमने इसका नंबर अगर अज्यूम करना है तो नंबर हम एक्स कोई सेट ले लिया हमने, लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स है वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ए अगर मैं ले लेती हूँ, ए को मैं एक्स मान लेती हूँ यहाँ पे, अगर एक्स पावर सेट ऑफ ए में है तो एक्स ए का सबसेट होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो एक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो इसका मतलब एक्स के एलिमेंट ए में भी मिलेंगे बी में भी मिलेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स ए का सबसेट है इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में। एक्स अगर सबसेट है और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में मिलेगा और यहाँ से एक्स पावर सेट ऑफ बी में मिलेगा, एंड है इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी मिलेगा, एक्स पी ऑफ ए में भी है पी ऑफ बी में भी है, इम्प्लाइज दैट एक्स जो आपके पास बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यही आपको प्रूव करना था, इसका नंबर लिया हमने इसमें शो कर दिया, इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर हमने उठाया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको, सेकंड सेम टू सेम आपको प्रूव करनी है। सेकंड में हम इसका नंबर उठाएंगे कि एक्स हमारा सेकंड पोर्शन में एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, कैपिटल एक्स सेट लेके चलेंगे। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का हमने नंबर लिया, इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में एंड इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में भी। अगर एक्स पावर सेट ऑफ ए में है इसका मतलब वो ए का सबसेट होगा, एंड एक्स अगर पावर सेट ऑफ बी में है तो बी का भी सबसेट होगा, इम्प्लाइज दैट ए का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है तो एक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, इम्प्लाइज दैट एक्स किस में मिलेगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। हमने नंबर उठाया इस सेट का शो कर दिया इसमें, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास इक्वल आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। ए मार्केट रिसर्च ए ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स reported that 720 consumers like product A, 450 consumers like product B, and what is the least number that must have liked both product? ऐसे कम से कम छोटे छोटा नंबर बताइए जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हो। चलिए U जो आपके पास दे रहा है, U क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे हमने 1000 लोगों के पे सर्वे किया तो N ऑफ U आपके पास है 1000, ठीक है। यहाँ पे आप यूनियन मत कर देना इसको, ये यूनियन नहीं होता है, यूनियन तब आता है जब ये कहता है आइदर ए को लाइक करते और बी को लाइक करते, तब हमारे पास ये यूनियन बनता है, अदरवाइज ये यू सेट माना जाएगा कि टोटल हमारे पास 1000 पीपल है। जो आपके पास प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, मान लिया एस सेट हमारे पास है जो लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए को, एंड टी सेट ले लेते हैं जो लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी को। अगर ए को लाइक करते तो एन ऑफ एस, एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस इज 720, ठीक है। और एन ऑफ बी, सॉरी एन ऑफ टी जो बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, बी को लाइक करते हैं 450, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हो कम से कम नंबर वो बताइए जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। चलिए देखिए, n ऑफ s यूनियन t निकालते हैं, क्या होता है n ऑफ s प्लस n ऑफ t
माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। एन ऑफ एस की वैल्यू 720 प्लस एन ऑफ टी 450 माइनस एस इंटरसेक्शन टी। दिस माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एन ऑफ एस यूनियन टी हमारा इस टी इक्वल आ जाता है। जितना हम इसको छोटा लेंगे, इसके नंबर जितने, इसकी वैल्यू जितनी छोटी रखेंगे, एस यूनियन टी उतनी ही बड़ी वैल्यू देगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एन ऑफ एस यूनियन टी इज मैक्सिमम व्हेन एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज लीस्ट नंबर। जितना ही छोटा नंबर लेंगे उतना ही यूनियन बड़ी वैल्यू देगा हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो x की वैल्यू 9 आती है, अगर मैं y की वैल्यू हुई 9 ले लूँगी तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू बड़ी कब आई, जब मैंने y को छोटा लिया। सेम टू सेम यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू जितनी छोटी लेंगे यूनियन हमारी उतनी ही बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। अब जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम, ये हमारे पास यू, ठीक है, एक सेट एस है एक सेट टी है, यूनियन में हमारे पास ये पोर्शन आता है। दैट मीन्स जो यूनियन होता है वो यू का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो यूनियन गिवन है एस यूनियन टी इज ए सबसेट ऑफ यू, दोनों सेट के यूनियन यू का सबसेट होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ एस यूनियन टी, इसके नंबर इससे कम में होंगे, ये इक्वल भी हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू आ जाएगा। एन ऑफ यू आपके पास गिवन है लेस देन इक्वल टू, एन ऑफ यू की वैल्यू है 1000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1000 दिस, ठीक है। तो एस एन ऑफ एस यूनियन टी लेस देन इक्वल टू 1000, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ एस यूनियन टी या तो 1000 से छोटी होगी या इसके इक्वल होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1000, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी है 1000, 1000 इक्वल टू 120 एस इंटरसेक्शन टी। हमने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि जितनी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे रखेंगे इंटरसेक्शन हमें लीस्ट नंबर देगा, लीस्ट वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी, तो इसकी आ जाएगी लीस्ट वैल्यू। इसको इधर ले आओ, एन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, एस इंटरसेक्शन टी माइनस 1000, दिस इज 170। तो इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। जब आपके पास ये पूछ रहा है नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, तो लीस्ट वैल्यू आ गई 170, यानी कम से कम इतने लोग हैं जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है। ये थे आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट एंड एग्जांपल। इसके दो एक दो एग्जांपल जो रहते हैं वो बहुत ईजी हैं, जो पीछे मैंने कवर करवा दिए, तो उसके ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको ट्राई करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।